प्राइमस कैसेट्स। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिथ्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। बोलो जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। बोलो जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। चाहे आसमां जमी हो चाहे विष्णु लक्ष्मी हो, सबसे प्रथम भी आते पूजा चाहे कहीं हो। चाहे आसमां जमी हो चाहे विष्णु लक्ष्मी हो, सबसे प्रथम भी आते पूजा चाहे कहीं हो। हम आज भी मनाते तुमको गणेश देवा, स्वीकार आज कर लो छोटी सी मेरी सेवा। हम आज भी मनाते एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माथे ऊपर तिलक विराजे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माथे ऊपर तिलक विराजे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माथे ऊपर तिलक विराजे मूस की सवारी। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। बोलो जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जो श्रद्धा से श्री गणेश आते हैं तो पाते हैं क्या क्या पाते हैं? अंधेन को आंख देते, कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। अंधेन को आंख देते, कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। गणपति अंधेन को आंख देते, कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देते, गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती।
पिता महादेवा। तो आदरणीय माताओं बहनों और भोलेनाथ के भक्तों, भारत की प्रत्येक नारी ये चाहती है कि उसका सुहाग अखंड हो और यह आशीर्वाद माता गौरा ही प्रदान करती हैं, क्योंकि माता गौरा का सुहाग अखंड है। तो हर माता गौरा जी की प्रार्थना कर रही है, शारदा शारदा गौरा मैया सुमरू में बारंबार, ओ गौरा मैया सुमरू में बारंबार, शारदा सुमरू में बारंबार, शारदा सुमरू में बारंबार, सरस्वती सुमरू में बारंबार, प्रथम ध्याऊ मैं जननी अपनी कूड़ा माँ, प्रथम ध्याऊ मैं जननी अपनी कूड़ा माँ, जिन मोहे दीनो है जन्म रामा, जिन मोहे दीनो है जन्म रामा, जिन मोहे दीनो है जन्म, ओ गौरा मैया सुमरू में बारंबार, फिर सुमरू में धरती ओ माता रामा, फिर सुमरू में धरती ओ माता रामा, जन्म तिटे के हैं पाव रामा, जन्म तिटे के हैं पाव रामा, जन्म तिटे के हैं पाव, ओ गौरा मैया सुमरू में बारंबार, मोहे दीनो है ज्ञान रामा, मोहे दीनो है ज्ञान रामा, जिन मोहे दीनो है ज्ञान, ओ गौरा मैया सुमरू में बारंबार, ओ गौरा मैया सुमरू में बारंबार, जय 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 हे गौरा माता, जय 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 हे गौरा, जय जय जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता, जय 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 हे गौरा माता, जय 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 जगदम्बे माता। तो हर माता मैया जी की प्रार्थना करती है और कहती है, मां मांग सिंदूर चमकती बिंदिया रामा, मांग सिंदूर चमकती बिंदिया रामा, तुम्हू लगाओ और हमें लगवाओ, तुम्हू लगाओ और हमें लगवाओ, हरी हरी चूड़ियां और बजने से बिछुआ रामा, हरी हरी चूड़ियां और बजने से बिछुआ रामा, तुम पहनो और हमें पहनाओ, तुम पहनो और हमें पहनाओ, अमर करो मेरो सुहाग रामा, अमर करो मेरो सुहाग रामा, अमर करो मेरो सुहाग, ओ गौरा मैया
सुमरू में बारंबार शारदा, सुमरू में बारंबार सरस्वती, सुमरू में बारंबार। प्रथम प्रथम गणराज कारज साज को मस्तक झुकाता हूं के दूजे पंचमुख शंकर शरण तेरी न आता हूं, के तीजे शक्ति माता शारदा शारदा, तीजे शक्ति माता शारदा तुमको मनाता हूं, तो चौथे चतुर्भुज विष्णु शरण तेरी में आता हूं, पंचम पंच ब्रह्मा जी अटल विश्वास धाता हूं, छठे गुरु शुक्ल काले नाम मैं गुरु ज्ञान पाता हूं, के जो सातों स्वर में माता सरस्वती का, जी हां बहनों भाइयों, माता सरस्वती की अगर कृपा हो तो विशालतम शिव मंगल को, इस सागर को गागर में भर सकती है माता सरस्वती, क्योंकि संसार की जितनी पृथ्वी है, जितने वृक्ष हैं और जितना समुद्रों में और नदियों में जल है, इसकी रोशनाई बना ली जाए, पृथ्वी जैसा कागज बना लिया जाए, समस्त वृक्षों की लेखनी बना ली जाए, तब भी ये शिव मंगल नहीं लिखा जा सकता, नहीं गाया जा सकता। परंतु माता सरस्वती की जब मेहर हो जाती है तो सहजता से ही हम इस शिव मंगल को गा लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और इसका संपूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए तो सातों स्वर में माता सरस्वती का वास पाता हूं, तो शंकर भोले बाबा का मैं कथ कर ब्याह गाता हूं, बिराजो बिराजो आके बजरंगी बजरंगी बिराजो आके बजरंगी, बजरंग बली को भी बुलाया जाता है, क्योंकि जिस कथा में श्री हनुमान जी महाराज नहीं होते वो कथा कभी भी पूर्ण नहीं होती। श्री हनुमान जी महाराज में जो विशेषता है वो किसी और देवता में नहीं, सभी जानते हैं कि किसी देवता का प्रताप सतयुग में था, किसी देवता का प्रताप त्रेता युग में था, किसी देवता का प्रताप द्वापर युग में था और किसी देवता का प्रताप कलयुग में है, लेकिन हनुमान जी के लिए लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। चार युगों में इनका प्रताप है, इसलिए इनको बुलाते हैं कि विराजो आके बजरंगी हो तुम अगवानी माता के, मैं संगत साधु और भैरव जति को सर नवाता हूं, जगन की पत्र की तुमने जगन की पत्र की तुमने तो मेरी पतवी रख लेना, सबकी पतवी रख लेना, मुझे भी बख्श दे मैं लाल शिव तेरा कहता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय, जल सुहाग माई पार्वती की। तो शिव बाबा प्रस्तुत है आपके सामने, इसे ध्यान से सुनिए। बम 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 अगल बम 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 लहरी, अगल बम 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 लहरी, जेसुआ चोलना लटधारी, जेसुआ चोलना लटधारी, मेरा वचन न जाएगो अब खाली, मेरा वचन न जाएगो अब खाली, हरे हरे भजले हीरा परख ले, हरे हरे भजले हीरा परख ले, हरे
हरि हरि भजले हीरा परखले हर भजले हीरा परखले समझ पकड़ कछु मजबूती समझ पकड़ कछु मजबूती आई तू ही चंड है तू ही मुंड है तू ही चंड है तू ही मुंड है तू ही ध्यान धरनी देवी तू ही ध्यान धरनी देवी ये कुरुक्षेत्र में भजा गाड़ दे कुरुक्षेत्र में भजा गाड़ दे भोलेनाथ ने कुरुक्षेत्र में भजा गाड़ दे कुरुक्षेत्र में भजा गाड़ दे और जटा पटक दे भोला ने जटा पटक दे भोला ने शिव शक्ति पैदा कीनी जो हिंगलाज में जाए बसी हिंगलाज में जाए बसी अब हिंगलाज से चली भवानी हिंगलाज से चली भवानी असुरन को बस में करनी असुरन को बस में करनी माई कारज करनी खप्पर भरनी कारज करनी खप्पर भरनी भगतन के दुख को हरनी भगतन के दुख को हरनी अंग मलोमल महल छुटायो अंग मलोमल महल छुड़ायो वही महल को पुत्र बनायो वही महल को पुत्र बनायो पुत्र बनावत बन गई पुत्री पुत्र बनावत बन गई पुत्री तो बहन और भाइयों ये एक परंपरा चली आ रही है कि जब कोई सास अगर बहू उसके पैर छूती है तो आशीर्वाद देती है तो यही कहती है पुत्रवती भवा। कोई महात्मा या महापुरुष या ब्राह्मण घर में आते हैं बहू पैर छूती है तो कहते हैं पुत्रवती भवा। और नंद तो स्पष्ट कह दे जब डिस्पेंसरी में जावे नंद के भावी ध्यान रखना कहीं मेरे झाले न मारे जाएं। हर जगह एक ही आवाज पुत्र हो बेटा हो पुत्र हो बेटा हो लेकिन पृथ्वी का संतुलन न बिगड़ जाए इसलिए भोलेनाथ को मालूम था कहीं लड़की और कहीं लड़का इसलिए सभी कहते हैं पुत्र हो पुत्र हो पुत्र हो लेकिन पुत्र बनावत बन गई पुत्री पुत्र बनावत बन गई पुत्री गौरा गर्भ समाये गई गौरा गर्भ समाये गई सात समुंदर पार हिमांचल सात समुंदर पार हिमांचल उनते में ना बतियाई लेकिन पुत्र बनावत बन गई पुत्री पुत्र बनावत बन गई पुत्री गौरा गर्भ समाये गई गौरा गर्भ समाये गई सात समुंदर पार हिमांचल सात समुंदर पार हिमांचल उनते में ना बतियाई उनते में ना बतियाई तब गौरा गर्भ समाये गई तब गौरा गर्भ समाये गई नौ दस मास गर्भ में बीते 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 राजा घर कन्या जन्मी राजा घर कन्या जन्मी राजा हिमांचल बढ़ो तपस्वी राजा हिमांचल बढ़ो तपस्वी कन्या की खुशी मनाए रहो कन्या की खुशी मनाए रहो बाकी प्रजा खुशी मनाए रही बाकी प्रजा खुशी मनाए रही भेद बुद्ध बाके नाए भेद बुद्ध बाके नाए कन्या की खुशी मनाए रहे हो कन्या की खुशी मनाए रहे हो बाकी प्रजा खुशी मनाए रही प्रजा खुशी मनाए रही अब्बा कन्या की बजे बधाई अब्बा कन्या की बजे बधाई सखियां मंगल गान करें सखियां मंगल गान करें सास मांगे दुलड़ी जेठानी मांगे तिलड़ी 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 नंदी मांगे कंगन मां आज आनंदा भये मांगे दुलड़ी जेठानी मांगे तिलड़ी सास मांगे दुलड़ी जेठानी मांगे तिलड़ी नंदी मांगे कंगन मां आज आनंदा भये नंदी मांगे कंगन मां आज आनंदा भये आनंदा भयेरी घर आनंदा भये आनंदा भयेरी घर अंगना आज आनंदा भये घेरी आनंदा भये घर अंगना घेरी मेरे आनंदा भये और खुशी यहां सब एक समान है इसलिए उपहार लाए जा रहे हैं गौरा जी के लिए कोई लायो कुर्ता और कोई लायो टोपी कोई लायो कुर्ता और कोई लायो टोपी कोई लायो गबका और कोई लायो पोंछी कोई लायो गबका और
कोई लायो पोटी हुआ लाई सूरज चंदा हमारे आनंदा भये हुआ लाई सूरज चंदा हमारे आनंदा भये आनंदा भयेरी घर अंगना आज आनंदा भये आनंदा भयेरी घर अंगना आज आनंदा भये तो बाकन्या की बजे बधाई बाकन्या की बजे बधाई बाकन्या की बजे बधाई बाकन्या की बजे बधाई सखियां मंगल गान करे सखियां मंगल गान करे अनेक जोग राजा बांटे अनेक जोग राजा बांटे अनेक जोग राजा बांटे अनेक जोग राजा बांटे राजा हिमांचल बड़ो तपस्वी राजा हिमांचल बड़ो तपस्वी कन्या की खुशी मनाए रहे हो कन्या की खुशी मनाए रहे हो बाकी प्रजा खुशी मनाए रही बाकी प्रजा खुशी मनाए रही अब राजा ने पंडित बुलवाए राजा ने पंडित बुलवाए हमारी परंपरा रही है कि जब कोई बच्चा होता है तो सबसे पहले दृष्टि घड़ी पर जाती है बहनों भाइयों उस टाइम को हम कागज पर लिख लेते हैं नोट कर लेते हैं या तो पंडित जी के पास जाते हैं अथवा पंडित जी को अपने घर बुलाते हैं और पूछते हैं महाराज ये बालक कितने समय पर पैदा भयो जाके घड़ी मुहूर्त देखो पंडित जी पत्रा खोल के बतला में पूछने वाले पूछें बाप के लिए कैसो है मैया के लिए कैसो है दादा दादी के लिए कैसो है बहन भैया के लिए कैसो है एक बात को तो जननहारी चुपचाप पूछे पंडित जी से गुरुजी नेक उल्लंघ कुइयो नाना नानी के लिए कैसो है क्यों कि भाछो चित्त बोई लेके आमे इसलिए पंडित जी पत्रा खोल के बतला रहे हैं के सुन ले रे राजा ज्ञानी 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 ये शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त शुभ नक्षत्र कन्या जन्मी शुभ नक्षत्र कन्या जन्मी पर राजपाठ जग नहीं कर मन में राजपाठ जग नहीं कर मन में योग लिखो कन्या कर मन में योग लिखो कन्या कर मन में ब्याहन आवे बाबा जी ब्याहन आवे बाबा जी हर घर घर जाकी पूजा होगी घर घर जाकी पूजा होगी अखंड सुहाग जाको होएगो अखंड सुहाग जाको होएगो तुम जा कन्या को ब्याह करोगे जा कन्या को ब्याह करोगे बड़ो पुण्य जीत हो राजा बड़ो पुण्य जीत हो राजा सुन के राजा सुखी भयो सुन के राजा सुखी भयो पंडित जी को दई दक्षिणा पंडित जी को दई दक्षिणा पंडित जी ने दई आसना पंडित जी ने दई आसना अब एक बरस की भैया गवरिया एक बरस की भैया गवरिया धरती माता को पूजे धरती माता को पूजे दो बरस की भैया गवरिया दो बरस की भैया गवरिया चंदा सूरज को पूजे चंदा सूरज को पूजे काऊ जमाने में काऊ बच्चा तो जब ग्रह भारी होते तो बाकी साल ग्रह बनाई जाती बाकी हाथ से दान पुण्य कराए जाते आशीर्वाद दिलवाए जाते थे क्यों कि जो काम दवा से नहीं होते वो बात दुआ से होती है जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है विद्वान लोग आते थे और ग्रहों को बांध कर डाल जाते थे आज साल ग्रह मनाते हैं मोटा सा केक मंगाते हैं जिस बच्चे के नाम को माता पिता चमकाते थे आज उसी केक पर बच्चे का नाम लिखा जाता है और उसे छुरी से काटते हैं और फिर उसे खा जाते हैं इसलिए केक चाहे कैसा भी मंगाओ पर बहनों और भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं कि बच्चे का नाम लिख करके उसे काटो मत इसलिए राजा प्रतिवर्ष गौरा जी से हवन यज्ञ कराते हैं ब्राह्मणों को निर्धनों को धन धान दिलवाते हैं और सब लोग गौरा जी को आशीर्वाद देते हैं तो तीन वर्ष की भैया गवरिया तीन वर्ष की भैया गवरिया तीनों देवन को पूजे तीनों देवन को पूजे अब चार वर्ष की भैया गवरिया चार वर्ष की भैया गवरिया चारों वेदन को पूजे चारों वेदन को पूजे बोला पांच छठी और सात की है गई पांच छठी और सात की है गई सातों ऋषियों को पूजे सातों ऋषियों को पूजे अब आठ वर्ष की भैया गवरिया आठ वर्ष की भैया गवरिया अष्टभुजी माता पूजे अष्टभुजी माता पूजे ये बाघ झुलंती फूल विनंती बाघ झुलंती फूल विनंती बागन में गौरा पहुँचे बागन में गौरा पहुँचे ये बालू रेत के बना महादेव बालू रेत के बना महादेव फूल चढ़ावे पान चढ़ावे फूल चढ़ावे हर बार लोटा दूध चढ़ावे हर बार लोटा दूध चढ़ावे बेल पत्र और आग धतूरो बेल पत्र और आग धतूरो और भोले जी पे भंग चढ़ावे भोले जी पे भंग चढ़ावे शिव जी तेवर मांग रही वो शिव जी तेवर मांग रही वरुण हरी हर तुम्हें वरुंगी वरुण हरी हर तुम्हें वरुंगी
और बरन की ना भोला, और बरन की ना भोला, वो शिवजी ते बर मांग रही, वो शिवजी ते बर मांग रही, और भोला ते बर मांग रही, वो भोला ते बर मांग रही, ये क्षमा करो मोय अविनाशी, ये क्षमा करो मोय अविनाशी, ऐसी गलती ना है करूंगी, ऐसी गलती ना है करूंगी, जैसी पहले कर आई, जैसी पहले कर आई। आज माता गौरा बाल रूप में है लेकिन शंकर जी से क्षमा प्रार्थना कर रही हैं। समझ नहीं आता कि गौरा जी से ऐसा कौन सा इस जन्म में कार हुआ जिसकी ये क्षमा मांग रही हैं। परंतु बहनों और भाइयों, इसी जन्म के पाप और पुण्य नहीं हुआ करते, कुछ परारब्ध भी हुआ करते हैं। पिछले जन्म में ये सती थी, दक्ष प्रजापति ने, इनके पिता ने एक बार यज्ञ रचाया, सारे देवता बुलाए गए लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सती को जब एहसास हुआ कि मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाया है, हो सकता है सूचना भेजी होगी, चिट्ठी पत्री डाली होगी, किसी कारणवश हम तक नहीं पहुंची, मैं तो जाऊंगी। भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाया है, मुझे जाने दीजिए, आप भी चलिए। त्रिकालदर्शी भोलेनाथ ने ध्यान लगाया, सती को समझाया, देवी हमें अपमानित करने के लिए तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है। सती पैरों में गिर गईं। भोलेनाथ आपने एक बार कहा था, कथा कीर्तन यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ मंदिर देवालय इनमें अगर बिना बुलाए भी चला जाया जाए तो पुण्य बढ़ता है। संसार में जितने भी जीव अपराध किया करता है, पाप किया करता है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। आप मुझे रोक रहे हैं, वो भी यज्ञ के लिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी ठीक कहा तुमने, बिना बुलाए कथा हवन यज्ञ में चले जाना चाहिए, परंतु जिसके यहां ये कार्यक्रम चल रहा है अगर वो विरोध मानता हो तो कदापि नहीं जाना चाहिए। और लिख दिया, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम ना हो, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस जगह पे आदर मान ना हो, जिस जगह पे आदर मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए, उस जगह पे जाना ना चाहिए। सती तुम्हें नहीं जाना चाहिए, पर शिव जैसा पति हो और पत्नी न माने, सती नहीं मानी और चल दी। जिस समय पिता के यज्ञ में पहुंची, पिता ने देखते ही सती को मुंह फेर लिया। जैसे ही सती पहुंचती हैं, बहनें व्यंग करती हैं, हंसी उड़ाती हैं, अरे सती पिताजी तो कह रहे थे कि सती को न्योता नहीं भेजा, तू कैसे आ गई, हमारे पास तो बीसियों खबर गई थी तब आए हैं, खैर आ गई तो आ गई, तू बता जीजाजी कुछ बदले या मुर्द घाट में भूत पलीतों के संग में बैठे बैठे भांग गांजा पीते रहते हैं, कुछ कमाई धमाई शुरू कर दी या सुल्फा गांजा पीते रहते हैं, व्यंग कर रही हैं। सती को बड़ा बुरा लगा। कोई बात नहीं, मैंने भोलेनाथ की बात नहीं मानी, मेरा अपमान हो रहा है, धीरे धीरे उदास मन से भोलेनाथ का ध्यान करती हुई यज्ञ वेदी पर आई, देखा
सब देवताओं का भाग रखा हुआ है, लेकिन भोलेनाथ के नाम का एक चावल भी नहीं। एकदम क्रोध आ गया। भारत की नारी कभी भी पति का अपमान नहीं सह सकती, इसलिए संसार में अमेरिका की माता की, फ्रांस की माता की जय नहीं बोलती, भारत माता की जय बोलती है। खड़ी हो गई और कहने लगी, ये मेरे पति का पिता अपमान करे, मेरे पति का पिता अपमान करे और मुझे आग बना अग्नि माता, शंकर के भोले के मैं अंग की भस्म बनू, मुझे शीघ्र जला अग्नि माता, भोले के मैं अंग की भस्म बनू, मुझे शीघ्र जला अग्नि माता। और इस प्रकार सती हवन कुंड में कूद जाती हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती हैं। आदरणीय भक्तों, जैसे किसी का कपड़ा नष्ट हो जाए तो उसका तन सुरक्षित रहता है, ऐसे ही तन अगर नष्ट हो जाए तो आत्मा सुरक्षित रहती है। वही दिव्य आत्मा आज गौरा जी के रूप में उस परार्थ के किए हुए कर्म की क्षमा मांग रही हैं और बार बार कह रही हैं कि क्षमा करो मुझे अविनाशी, क्षमा करो मुझे अविनाशी, ऐसी गलती ना करूंगी, ऐसी गलती ना करूंगी, जैसी पहले करे आई, जैसी पहले करे आई, क्षमा करो मुझे अविनाशी, क्षमा करो मुझे अविनाशी। आज गौरा जी बार बार क्षमा याचना कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, और जिस समय पूजा कर रही हैं उस समय गौरा जी की सखियां उस पूजा को देख रही हैं। बागोरा की सात सहेली, बागोरा की सात सहेली, मैया ते चुगली खाए गई, मैया ते चुगली खाए गई, तेरी पागल है गई गौरा जी, पागल है गई गौरा जी, तेरी सिन्नन है गई पार्वती, सिन्नन है गई पार्वती, पत्थर तेबर मांग रही, पत्थर तेबर मांग रही। आज सखियां कह रही हैं, अरे रानी तेरी गौरा पागल हो गई, ये पत्थर से बर मांग रही, तो रानी राजा तू समझावे, रानी राजा तू समझावे, सुन ले रे राजा ज्ञानी, सुन ले रे राजा ज्ञानी। हमारे देश की यह संस्कृति थी कि बेटी अगर खाना बनाती थी तो बाप नहीं खाता था उसके हाथ का, अगर वो कुआरी होती थी तो। इसलिए रानी कह रही है महाराज, यहाँ ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जपते शिव नाम की माला, हरिओम हरिओम सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। तो रानी राजा को कह रही है महाराज, इस भारतवर्ष की ये मर्यादा है के कुआरी बेटी तपे रसोई, कुआरी बेटी तपे रसोई, जीवन को फल न राजा, जीवन को फल न राजा, कुआरी बेटी जल भर लावे, कुआरी बेटी जल भर लावे, जीवन को फल न राजा, जीवन को फल न राजा, और कुआरी बेटी आंगन लीपे, कुआरी बेटी आंगन लीपे, चलने को फल न राजा, चलने को फल न राजा, गोरा लायक घर वर ढूंढो, गोरा लायक घर वर ढूंढो, अपलायक समधी ढूंढो, अपलायक समधी ढूंढो, और मोलायक समधी ढूंढो, मोलायक समधी ढूंढो, ना जाने पंडित बुलवाए, सोने चांदी के थाल मंगाए, सोने चांदी के थाल मंगाए, मखमल के जामा मंगवाए, मखमल के जामा मंगवाए, और हिरन के तोड़ा मंगवाए, हिरन के तोड़ा मंगवाए, सोने के कंगन मंगवाए, सोने के कंगन मंगवाए, चांदी में है मढ़े नारियल, चांदी में है मढ़े नारियल, मोहरन की दक्षिणा दीनी, मोहरन की दक्षिणा दीनी, अब हाथ जोड़ के राजा बोले, हाथ जोड़ के राजा बोले, सुन ले रे पंडित ज्ञानी, सुन ले रे पंडित ज्ञानी, जा गोरा लायक घर वर ढूंढो, जा गोरा लायक घर वर ढूंढो, मचल मचल के चले ब्राह्मण, मचल मचल के चले ब्राह्मण, कूद कूद के चले ब्राह्मण, कूद कूद के चले ब्राह्मण, पूरब ढूंढे पश्चिम ढूंढे, पूरब ढूंढे पश्चिम ढूंढे, उत्तर ढूंढे दक्षिण ढूंढे, उत्तर ढूंढे दक्षिण ढूंढे, पूरब ढूंढे पश्चिम ढूंढे, उत्तर ढूंढे दक्षिण ढूंढे, पर गौरा कुबर न पावे, पर गौरा कुबर न पावे, धरती फोड़ पाताल पहुंच गए, धरती फोड़ पाताल पहुंच गए, पातालन के वासुक राजा, पातालन के वासुक राजा, आत्मा पद्मा प्यार करें, आत्मा पद्मा प्यार करें, बहुत पंडित खाली आयो, बहुत पंडित खाली आयो, कुंठ लोक
लोक में जा पहुंचो, वैकुंठ लोक में जा पहुंचो, नानक सैया पे विष्णु लेते, नानक सैया पे विष्णु लेते, लक्ष्मी चरण दबाए रही, लक्ष्मी चरण दबाए रही, फिर ब्रह्म लोक में जा पहुंचो, ब्रह्म लोक में जा पहुंचो, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, अवधपुरी में जा पहुंचो, अवधपुरी में जा पहुंचो, मां राम लखन बैठे पाए, मां राम लखन बैठे पाए, राम राम दादा पांडे, राम राम दादा पांडे, कैसे ज्ञानी आन भयो, कैसे ज्ञानी आन भयो, अब राम लखन ये जवाब करेंगे, राम लखन ये जवाब करेंगे, आज ब्राह्मण देवता के चरण हमारी कुटिया पर पड़े हैं, कहिए महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो ब्रह्मा ज्ञानी जवाब करे वो, ब्रह्मा ज्ञानी जवाब करे वो, आज ब्रह्मा ज्ञानी बोले, हे राजकुमारो, राजा हिमांचल एक कन्या, राजा हिमांचल एक कन्या, नौलक तारन बीच चंद्रमा, नौलक तारन बीच चंद्रमा, अरे बड़ी है बाकी मलूक कन्या, बड़ी है बाकी मलूक कन्या, वा कन्या की लायो सगाई, वा कन्या की लायो सगाई, अब राम लखन ये जवाब करे, राम लखन ये जवाब करे, राम लखन ये समझा में, राम लखन ये समझा में, यहाँ सगाई ना होने की, यहाँ सगाई ना होने, क्योंकि शंकर जी हैं गुरु हमारे, शंकर जी हैं गुरु हमारे, गौर धर्म की मात लगे, गौर धर्म की मात लगे, तो यहाँ सगाई ना होने की, यहाँ सगाई ना होने की, तब मन में ज्ञानी दुखी भयो, मन में ज्ञानी दुखी भयो, मैं बिना सगाई लौट गया, मैं बिना सगाई लौट गया, लौटते में जिस समय ब्रह्मा ज्ञानी आए तो बिना सगाई लौट के आवे, बिना सगाई लौट के आवे, बागन में गोरा पावे, बागन में गोरा पावे, ये देखी गोरा गुस्सा आई, देखी गोरा गुस्सा आई, और पैर पटक के चैन लगो, पैर पटक के चैन लगो, होत गवरिया मन न गई, होत गवरिया मन न गई, ए भैया बल्लो गुरु सावधानी से बोला, भैया ऐसा मत करो, शब्द ध्यान से सुनो, पंडित जी कह रहे हैं कि तू होत गवरिया मन न गई, बल्लो गुरु कह रहे हैं कि तू होत डुकरिया मन न गई, ऐसा मत कर भैया, सही सही बोल, भोले को बे भाए, तू होत गबरिया मन न गई, तो स्याउ शीतला लेना गई, तो शेर बघर्रा छोड़ गए, मैं जवान गयो डुकरा बने आयो, पर तोला एक बर ना पायो, तोला एक बर ना पायो, तू होत गबरिया मन न गई, होत गबरिया मन न गई, मेरे जीवरिया लखड़ाए गई, मेरे जीवरिया लखड़ाए गई, मेरे पैर लपेटा खान लगे, मेरे पैर लपेटा खान लगे, जवान गयो डुकरा बने आयो, जवान गयो डुकरा बने आयो, पर तोला एक बर ना पायो, जिस समय तेरे लिए छोरा देखने गयो, मेरे बाल सवरे काले किसिट है, काले भौरा की तरह, पर लौट के आयो सवरे बार मेरे भूरे पड़ गए, जवान गयो डुकरा बने आयो, पर तो लायक बन ना पायो, देख मेरे सवरे बार भूरे पड़ गए। आज गौरा जी ने जिस समय सुना, पंडित जी हताश हो रहे हैं, तब गौरा बेटी समझावे, गौरा बेटी समझावे, के मेरो वर्त में नहीं पावेगो, मेरो वर्त में नहीं पावेगो, अपनो वर में आप बताऊं, अपनो वर में आप बताऊं, खुटी बताई भोला की, खुटी बताई नहीं भोला की, कैलाश बताए शंकर के, कैलाश बताए शंकर के, जब तक भक्ति की ऊंचाई पर भक्त नहीं पहुंचता, तब तक भगवान का दर्शन नहीं मिलता, जब तक मार्गदर्शन करने वाला गुरु नहीं मिलता, तब तक भगवान से मुलाकात नहीं होती। इसलिए गौरा जी आज पता बतला रही हैं, चिन्ह बतला रही हैं, और कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर, यानी भक्ति की उस ऊंचाई की पराकाष्ठा पर ब्राह्मण को ले जा रही हैं, जहां भोलेनाथ से साक्षात्कार होगा। मेरे पति के सात चिन्ह हैं, माथे चंदन, गज के बंधन, जग बंधन और कैलाशी, बाकी लटा बिराजे गंगा जी, लटा बिराजे गंगा जी, हाथन में डमरू त्रिशूल है, हाथन में डमरू त्रिशूल है, हाल सजाए चंदा जी, हाल सजाए चंदा जी, वृक्षाला की कछनी ओढ़े, वृक्षाला की कछनी ओढ़े, भस्मी अंग लगाए रहे, भस्मी अंग लगाए रहे, भस्मी अंग लगाए रहे, भस्मी अंग लगाए रहे, सबरे चिन्हन भूल जाओ तो, सबरे चिन्हन भूल जाओ तो, बिजरा याद रखे रखना, बिजरा याद रखे रखना, बाकी नदिया याद रखे रखना, नदिया याद रखे रखना, कोई देख कोड़ी बन जाए, कोई देख कोड़ी बन जाए, कोड़ी देख दिनाए मत जाइयो, कोड़ी देख दिनाए मत जाइयो, कोई देख अंधो बन जाए, कोई देख अंधो बन जाए, अंधो देख भगत मत आइयो, अंधो देख भगत मत आइयो, कोई देख बालक बन जाए, कोई देख बालक बन जाए, बालक देख लाज मत करियो, बालक देख लाज मत करियो, और वही सगाई करियो, वही सगाई करियो, खानो खर्चा दे दीनो, खानो खर्चा दे दीनो, और कान में मंत्र फूंक दियो, कान में मंत्र फूंक दियो,
करियो, कोई मुसीबत आवे तो पे, कोई मुसीबत आवे तो पे, जामंतर को जप करियो, जामंतर को जप करियो। अब मचल मचल के चले ब्राह्मण, मचल मचल के चले ब्राह्मण, बस्ती नगरी पार करी, बस्ती नगरी पार करी, वे नदी नाले लांग गयो, नदी नाले लांग गयो, और सुमेर पर्वत फांद गयो, सुमेर पर्वत फांद गयो। अब पियावान जंगल आए, पियावान जंगल आए, श्यापन के रल्ले पाए, श्यापन के रल्ले पाए, शेरन के झुंडा पाए, शेरन के झुंडा पाए। देख के पंडित घबराए, देख पंडित घबराए, है भली सगाई लेके आयो, भली सगाई लेके आयो, ऐसे मेरी जान बचे, ऐसे मेरी जान बचे। ब्रह्मा ज्ञानी चक्कर में फंस गए, एक तरफ सांप है, एक तरफ शेर के झुंड है, भली सगाई लेके आयो। भक्तो आध्यात्म है कि जिस समय हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो कभी कभी सफर में परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, झंझट पड़ जाते हैं। क्योंकि जब आदमी जमीन को खोदता है, शीतल जल का स्रोत जमीन के अंदर बह रहा है, तो कंकड़ भी निकलते हैं, पत्थर भी निकलते हैं, मिट्टी भी निकलती है। लेकिन खोदते रहिए, एक दिन शीतल जल का स्रोत तुम्हें मिल जाएगा। जीवन में अपने लक्ष्य को हम जब पाना चाहते हैं तो परेशानियां आती हैं। ये शेर और सांप वही परेशानियां हैं, लेकिन ये कैसे हटे? कहा है गौरा जी ने, कोई मुसीबत आवे तो पे तो जा मंत्र को जप करियो। आज जो कान में मंत्र दिया था गौरा जी ने, ब्रह्मा ज्ञानी उसका ध्यान करता है, उसका जाप करता है। सभी मिलकर के उस मंत्र को गाइए, सबका कल्याण होगा, सबकी रुकावटें दूर होंगी, सब अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तो वो कौन सा मंत्र था? ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, संसार में हमारी मंजिलें हमें तभी मिलती हैं जब हम भगवान को साथ लेके चलते हैं। सुंदरकांड में एक चौपाई आई है, कहे हनुमंत, कहे हनुमंत, विपत प्रभु सोई कि जब तब सुमिरन भजन न होई। हम जब भगवान को भूल जाते हैं, परेशानियां हमें घेर लेती हैं। एक काव्य लिखा है श्री मैथिली शरण गुप्त ने, अति निकट विकट संकट काठट, अति निकट विकट संकट काठट सिर पर है, परवाह नहीं जो रक्षक जगदीश्वर है। अति घोर घटा बरसा की लगी झड़ी हो, आंधी प्रचंड सर्दी या धूप कड़ी हो, मुंह खोल मृत्यु खाने के लिए खड़ी हो, रिप सेना दर पे डेरा डाल पड़ी हो, यदि रूठ जाए संसार हमें क्या डर है, परवाह नहीं जो रक्षक जगदीश्वर है। चाहे कोई गोली गोले बरसाले, तलवार तबल बरछी भाले चमकाले, विषधर भुजंग बैठे हो जीव निकाले, दर पे डोले खूनी हाथी मतवाले, यद्यप दहाड़ता सन्मुख सिंह बबर है, परवाह नहीं जो रक्षक जगदीश्वर है। भगवान का नाम लिया, गौरा जी का ध्यान किया तो चमत्कार हो गया। जो शेर के झुंड सांपों के झुंड रास्ता रोक के खड़े थे, जब ब्रह्मा ज्ञानी ने भोलेनाथ का नाम लिया तो चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? श्यापन ने रास्ता दे दीनी, श्यापन ने रास्ता दे दीनी, हीरो ने राह बताई दीनी, हीरो ने राह बताई दीनी। अब कैलाशन पर पहुंचे ब्रह्मा, कैलाशन पर पहुंचे ब्रह्मा, कैलाशन पर पहुंचे पंडित, कैलाशन पर पहुंचे पंडित, भोले बाबा जान गए, भोले बाबा जान गए, भंज लोक से आवे ब्राह्मण, भंज लोक से आवे ब्राह्मण, बिना सताए ना जाएगो, बिना सताए ना जाएगो, वो 12 बरस की लगे समाधि, 12 बरस की लगे समाधि, नदिया कुमा छोड़ दियो, नदिया कुमा छोड़ दियो। भोलेनाथ 12 साल की समाधि ले गए,
और ना दिया तो छोड़ दिया, जा घास फूस खा ले भैया, थोड़ा सुस्ता ले। जब कैलासन बिरमा पहुंचो, बिरमा ज्ञानी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, जाकर देखा आहा, भोलेनाथ आंखें मूंद के पालती मार के समाधि लगाए बैठे, पहचान लिया चंद्रमा है भाल पर, जटाओं में गंगा जी हैं, हाथों में डमरू त्रिशूल है, मृगछाला की कछनी है, भस्मी अंग है और नादिया संग है, यही है। लेकिन हिलायो डुलायो कोई बातचीत ही नहीं कर रही भोलेनाथ। आज कल के छोरा को अगर देखे कोई आवे कलावत्तू सी मूछे तान के बैठे, घर वाले कह दे अरे छोरा ने के ब्लीचिंग करवाया तो देखे बारे आए, लेकिन भोलेनाथ तो यूं भी तो ही बैठे समाधि में। काफी देर हो गई हिलाए डुलाए बातचीत की, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं आया तो नंदीगण पर दृष्टि पड़ी ब्रह्मा ज्ञानी की, आवाज लगाई नादिया से पूछें, कर्री करके आवाज लगाई, अरे ओ नादिया। नादिया आ गए नादिया, क्या बात है महाराज। अरे भैया बात क्या है, जाकी सगाई लेके आया हूं। नादिया कूदने लगे, सगाई, अरे वाह जाकी सगाई आई है, सगाई आई है, वाक्य बाद फिर लगुन आवेगी, ब्याह होगो बटुआसी बहु आवेगी, जाकी सेवा करेगी, दो रोटी बुढ़ापे में मऊआ मिल जाएंगी, अब तक जाके दो हाथे अब चार हाथ है जाएंगे, जाकी भी सेवा होगी मेरी भी सेवा होगी। आहा हा भक्तो, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन बुजुर्गों को बहुओं की सेवा मिलती है। हर बड़ा बूढ़ा सोचता है, हर माँ सोचती है बेटा के दो हाथ हैं, बहु आ जाएगी चार हाथ है जाएंगे, लेकिन वो भोला नहीं जानता कि चार हाथ तो है जाएं, चार पैरू तो है जाएं। नादिया बड़े खुश हो गए लेकिन कुछ सुस्त हो गए। पंडित जी बोले क्या बात है भैया, अभी अभी तो तू बड़ा प्रसन्न हो, कूद रहो खुशी के मारे, नाच रहो झूम रहो, अब क्या बात है गई। अरे महाराज बात क्या है, नेक देर पहले आ जाते आपकी रूबरू बात हो जाती, पर क्या करें जी पूजा पे बैठ गो, अब जाके पूजा समाप्त है जाएगी, वाके बात रूबरू तुम बात करियो, संबंध पक्को करियो। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हो वे और कोई मिलवे के लिए आवे तो आदमी सोचे पूजा है जाएगी तो बात करेंगे। ब्रह्मा ज्ञानी बैठ गए, इंतजार करने लगे, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा पांच घंटा छह घंटा, बार बार घड़ी देखते हैं पंडित जी। अंत में झुंझला कर बोले अरे भैया नादिया के, हां छह घंटा बैठे बैठे है गए भैया, जाकी बड़ी लंबी पूजा है गई। नादिया टेढ़ा मुंह करके एकदम मुंह फार के आंखें न टेढ़ता, वो बोला घंटा घंटा काहे ते कहते हैं पंडित जी, अरे वही घंटा जो घड़ी में हिसाब किताब जैसे चले, तीस मिनट को आधा घंटा, पैंतालीस को पौन, साठ को पूरा, पर दूसरा तीसरा। नादिया बोले घंटा या घंटा पंटा को हिसाब ना है बाबा, या तो सालन को हिसाब है। पंडित की फूंक निकल गई, बोले भैया क्या कह रहा है, बारह साल? हाँ बाबा बारह साल, तू बारह साल ना है, तेरह साल तक बैठा रख, पर सगाई करके ही जाऊंगो, सगाई करके ही जाऊंगो, सगाई करके ही जाऊंगो। अब चार महीना झाड़ा गुजरा, चार महीना झाड़ा गुजरा, चार महीना झाड़ा गुजरा, चार महीना झाड़ा गुजरा, बैठा पंडित सुकुड़ गया, बैठा पंडित सुकुड़ गया, चार महीना गर्मी आई, चार महीना गर्मी आई, पंडित की काया सूख गई, पंडित की काया सूख गई, चार महीना वर्षा आई, चार महीना वर्षा आई, फिर मापे घास उपजी आई, फिर मापे घास उपजी आई, बाकी दही को दीमक चाट गई, बाकी दही को दीमक चाट गई, माटी की ढेरी है गई, माटी की ढेरी है गई, बारह साल जब पूरे है गए, 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 खुली समाधि भोला की, खुली समाधि भोला की, बाढ़ेरी पर नजर पड़ी, बाढ़ेरी पर नजर पड़ी, अब नदिया से
पूछन लागे, नदिया से पूछन लागे, ये टीलो कैसे कीनो, ये टीलो कैसे कीनो, तेने कियो के मैंने कियो, तेने कियो के मैंने कियो, शंकर गुना दिया समझावे, शंकर गुना दिया समझावे, बोले गुना दिया बतलावे, बोले गुना दिया बतलावे, के काऊ देश को आयो पंडित, काऊ देश को आयो पंडित, भोला तेरी सगाई लेके, भोला तेरी सगाई लेके, भूखो प्यासो मर गयो, भूखो प्यासो मर गयो, जे वाही की ढेरी है गई, जे वाही की ढेरी है गई, अब कहां सरापे जाकी बामनी, कहां सरापे जाकी बामनी, भोले जी ने दया करी, भोले जी ने दया करी, भूत की चुटकी मारी, भूत की चुटकी मारी, अब हर हर करके उठो ब्राह्मण, हर हर करके उठो ब्राह्मण, जब तक ज्ञानी समरेगो, जब तक ज्ञानी समरेगो, भोले ने लीला दिखलाई, भोले ने लीला दिखलाई, भोले ने माया दिखलाई, भोले ने माया फैलाई, 80 वर्ष के डोकर बन गए, 80 वर्ष के डोकर बन गए, सवा हाथ लंबी दाढ़ी, सवा हाथ लंबी दाढ़ी, पूरा जैसी मोछ लटक रही, पूरा जैसी मोछ लटक रही, डिगमेग डिगमेग नार हिले, डिगमेग डिगमेग नार हिले, नर भिनर माखी भिनके, नर भिनर माखी भिनके, ये कोली कलंती से लागे, कोली कलंती से लागे, और वही रूप में जवाब करेंगे, वही रूप में जवाब करेंगे, कैसे बिरमान भयो, कैसे बिरमान भयो, बिरमा ज्ञानी जवाब करेगो, बिरमा ज्ञानी जवाब करेगो, मैं गोरा की लायो सगाई, मैं गोरा की लायो सगाई, वाकू तुम स्वीकार करो, वाकू तुम स्वीकार करो, अब भोले बाबा कहने लागे, भोले बाबा कहने लागे, नहीं दूल्हा देख लियो, नहीं दूल्हा देख लियो, नहीं मस्करा देख लियो, नहीं मस्करा देख लियो, खौड़ा जाके कर दो सगाई, खौड़ा जाके कर दो सगाई, वो दान दक्षिणा मिल जाती, वो दान दक्षिणा मिल जाती, पर मोपे तो ये कहां मिले, मोपे तो ये कहां मिले, आगे राखो और पीछे खा के है, आगे राखो और पीछे खा के है, मैं बनखंडो में रहता, मैं बनखंडो में रहता, तेरी गोरा राज दुलारी, तेरी गोरा राज दुलारी, अनवट मांगे बिछुआ मांगे, अनवट मांगे बिछुआ मांगे, कमर कोंदनी झप्पा मांगे, कमर कोंदनी झप्पा मांगे, गले में सीता रामी मांगे, गले में सीता रामी, साड़ी बनारसी मांगे, साड़ी बनारसी मांगे, मेहंदी मांगे, मेहंदी मांगे, मेहंदी मांगे, मेहंदी मांगे, नागन थनिया बेसर मांगे, नागन थनिया बेसर मांगे, नौकर मांगे चाकर मांगे, नौकर मांगे चाकर मांगे, लल्ली मांगे लल्ला मांगे, लल्ली मांगे लल्ला मांगे, बहुए मांगे मांगे जमाई, बहुए मांगे मांगे जमाई, नाती मांगे मांगे देवते, नाती मांगे मांगे देवते, कहां से वन में लाए दूंगा, कहां से वन में लाए दूंगा, राजा के करियो सगाई, राजा के करियो सगाई, तब नदिया को गुस्सा आई, नदिया को गुस्सा आई, तब नदिया को गुस्सा आई, नदिया को गुस्सा आई, बायो सिंह चलायो ना दिया, बायो सिंह चलायो ना दिया, अधर उठा लो बाबा जी, अधर उठा लो बाबा जी, आई सगाई मत फेरे बाबा, आई सगाई मत फेरे बाबा, कुवारो ही रह जाए बाबा जी, कुवारो ही रह जाए बाबा जी, अपनी नाय तो मेरी कर ले, अपनी नाय तो मेरी कर ले, आई लक्ष्मी मत फेरे, आई लक्ष्मी मत फेरे, तब मंद मंद मुस्काए महादेव, मंद मंद मुस्काए महादेव, मेरे मन में लाग रही, मेरे मन में लाग रही, शंकर को ना दिया सोच रहे हो, शंकर को ना दिया सोच रहे हो, के मन मन भावे मुड़िया हिलावे, मन मन भावे मुड़िया हिलावे, बूढ़े ना दिया ने गोबर कर दियो, बूढ़े ना दिया ने गोबर कीनो, बूढ़े ना दिया ने गोबर कीनो, बूढ़े ना दिया ने गोबर कीनो, मढ़ी लिपाई दई भोला की, मढ़ी लिपाई दई भोला की, चंदन चौकी डार दई, चंदन चौकी डार दई, चौकी बगलीचा बिछा दिए, चौकी बगलीचा बिछा दिए, पांच रंग के चौक पुराए, पांच रंग के चौक पुराए, शंकर जी को बिठा दियो, शंकर जी को बिठा दियो, अब सात नारियल सात सुपारी, सात नारियल सात सुपारी, सात हरद की गांठ धरी, सात हरद की गांठ धरी, ले दई जंजीर नाथ को, ले दई जंजीर नाथ को, चांदी को सिक्का दीनो, चांदी को सिक्का दीनो, और भोला जी के तिलक कर दियो, भोला जी के तिलक कर दियो, ये सगाई भोला की चढ़ गई, सगाई भोला की चढ़ गई, और तिलक दान शंभू के है गए, तिलक दान शंभू के है गए, और भाग दान भोला के है गए, भाग दान भोला के है गए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बहनों और भाइयों, आज भोलेनाथ की सगाई चल रही है। जैसे किसी की सगाई चढ़ती है तो माता बहने मंगल गीत गाती हैं, ऐसे आज सगाई का तिलक पंडित जी कर रहे हैं, स्वस्थ वाचन पढ़े जा रहे हैं। ओम स्वस्तेनाः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्तेनाः पूघा विश्ववेदाः, स्वस्तेनस्तारक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्तेनो बृहस्पतिर्दधातो। माता बहने गा रही हैं, कैसे गा रही हैं सगाई। आ आ आ आ आ आ। अरे भोला करे है सगाई, चलो रे भैया दे।
देखबे भोला करे है सगाई चलौरी चलौरी भैना देखबे ओ भोला करे है सगाई चलौरे चलौरे भैया देखबे चीता बन ततैया भौरा उड़ के आए बिच्छू कातर अजगर देखो झुंड बना के खाए बिच्छू कातर अजगर देखो झुंड बना कर खाए सबने झुपड़िया सजाई चलोरे चलोरे भैया देखबे सबने झुपड़िया सजाई चलोरे चलोरे भैया देखबे मंदिर के द्वार खुले ओ भोले तेरे मंदिर के द्वार खुले तेरे मंदिर के द्वार खुले तेरी जय जयकार बोले ओ भोले तेरी जय जयकार बोले भूत पलीत खईस नाच रे चुड़ैल मंगल गावे भूत पलीत खईस नाच रे चुड़ैल मंगल गावे भक्त भक्त कर रही खोपड़ी डाहनिया मुस्कावे भक्त भक्त कर रही खोपड़ी डाहनिया मुस्कावे थपली तान से बजाई चलोरे चलोरे भैया देखबे थपली तान से बजाई चलोरे चलोरे भैया देखबे ओ भोला करे सगाई चलोरे चलोरे भैया देखबे